स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रश्मि। चले रफ्तार के साथ देख लेते हैं 100 शहरों की 100 खबरें। बक्सर के औद्योगिक थाना इलाके के छुटकी बसवाली गांव में जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर हुई गोलीबारी, एक पक्ष के 5 लोग जख्मी। मधेपुरा में पुलिस ने 2 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। गोपालगंज में दिल्ली से अपने घर जमुई जाने के दौरान एक मासूम बच्चे की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि 2 और गंभीर रूप से घायल हुए। सासाराम में अपने पति के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए एक महिला मुखिया बच्चों के साथ थाने पहुंचकर धरने पर बैठ गई। सहरसा के प्रधान डाकघर में पुलिस की मौजूदगी में लोगों की भीड़ देखी गई, जहां खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। गया जिले से गुजरने वाली नेशनल हाईवे 2 पर इन दिनों लोगों की काफी भीड़ उमड़ रही है। शिवहर में कोरोना संक्रमित मां और बेटे के इलाज के बाद दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने महिला और बच्चे को वस्त्र और गुलदस्ता देकर घर भेजा। दानापुर के लोधीपुर चांदमारी बैरक नंबर 1 के आम रास्ते को आर्मी ने बंद कर दिया, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। बिहार शरीफ में इमादपुर का सरकारी बोरिंग फेल हो गया है, जिससे यहां के लोगों को पिछले 5 दिनों से पानी के लिए काफी दिक्कत हो रही है। बेतिया में दहेज के लोभियों ने महज 25,000 के लिए विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी, वारदात के बाद से ससुराल पक्ष के लोग फरार। कैमूर में मोहनिया थाना इलाके के मामादेव में बाइक सवार 3 अपराधियों ने सीएसपी संचालक से लूट की वारदात को अंजाम दिया। पटना में 6 रैकेट का पर्दाफाश, पुलिस ने पत्रकार नगर थाना से विजयनगर मोहल्ले में चल रहे 6 रैकेट का पर्दाफाश किया। जहानाबाद में पारस बेगा थाना इलाके के मिश्र बीघा गांव में बीती रात चोरों ने एक घर में सेंधमारी की और लूट की वारदात को अंजाम दिया। अररिया के काकन चौक के पास दिल्ली से ठाकुरगंज जा रही एक बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी, आधा दर्जन लोग जख्मी। शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड लोधीपुर स्कूल में बनाया गया क्वारंटाइन सेंटर में यहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। सीवान में क्वारंटाइन सेंटर से निकलकर प्रवासी मजदूर SH-47 पर पहुंचे और मैरवा सीवान सड़क पर जाम लगा दिया। पटना में रेस्टोरेंट खोलने के मामले को लेकर 50 से ज्यादा रेस्टोरेंट मालिक अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे। सासाराम में 35 प्रवासी मजदूरों का जत्था काफी परेशान है, दरअसल ये सभी ट्रक से मुंबई कटिहार के लिए निकले थे, लेकिन ट्रक चालक ने बिहार की सीमा पर उतारकर छोड़ दिया। बिहार शरीफ प्रधान डाकघर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मुजफ्फरपुर की शाही लीची बागों पर पकने लगी है, अब बहुत जल्द ये लीची बाजारों में पहुंचाई जाएगी। सासाराम में चौथे चरण के लॉकडाउन में कुछ रियायत मिलने की अफवाह पर सड़क पर अफरा तफरी करने के लिए निकले लोगों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। पटना बाईपास से प्रवासी मजदूरों को लेकर गुजर रही बसों में जाकर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने मजदूरों को खाना और पानी की बोतलें दी। खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अनाज को लेकर बिहार के दावे को स्वीकार किया और माना कि बिहार में 14 लाख नए लाभुकों की संख्या हो गई है। बिहार के प्रवासियों का सूबे में पहुंचने का सिलसिला जारी है, कुछ लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर हैदराबाद से तो कुछ दिल्ली से पैदल ही चलकर पटना पहुंचे। मुसीबत में फंसे पिता को बेटी ने सही सलामत घर पहुंचाया, दरअसल लॉकडाउन के दौरान हरियाणा के गुरुग्राम में फंसे पिता को नाबालिग बेटी ने 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर दरभंगा पहुंचाया। अररिया जिले में दूसरे प्रदेशों से आने वाले प्रवासी मजदूरों की जांच के लिए नरपतगंज थाने के सामने 4-लेन सड़क पर पुलिस चेक पोस्ट बनाया गया है। बिहार में कोरोना वायरस का खौफ बढ़ा, संक्रमण के 103 नए मामले, पॉजिटिव केस की संख्या पहुंची 1,423। कोरोना का संक्रमण झारखंड में भी तेजी से बढ़ रहा है, कोरोना के पश्चिम सिंहभूम से मिला जिले का पहला केस, 5 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या हुई 228। पाकुड़ एसपी मणिलाल मंडल ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से पैदल आ रहे 12 मजदूरों को नगर थाने के पास बने कम्युनिटी किचन लाकर भोजन कराया। गया में प्रवासी मजदूरों को डीएम ने अपनी मॉनिटरिंग में भेजा निग्मा मॉनेस्ट्री।
बेगम की नौबतपुर प्रखंड के चेसी पंचायत के रस्तमगंज गांव में एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। रोहतास के नोखा हाई स्कूल के शिक्षक क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों को अनुलोम विलोम कपालभाति प्राणायाम वज्रासन शीर्षासन कराते हुए नजर आए। लॉकडाउन की वजह से औरंगाबाद में भी तमाम गतिविधियां ठप हैं। मंदिर के पुजारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर की सुरक्षा इंतजाम भगवान भरोसे है। छपरा में इसुआपुर के श्याम कौड़िया उच्च विद्यालय के क्वारंटाइन सेंटर में लोगों ने सफेद चादर ओढ़ने से मना कर दिया और इसे कफन का कपड़ा बताया। किशनगंज में कोरोना पॉजिटिव से ग्रसित पहले व्यक्ति ने जिंदगी की जंग जीत ली है। एमजीएम मेडिकल हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद मरीज को छुट्टी मिली। मुंगेर में शुद्ध पानी बिजली और पंखे की मांग को लेकर प्रवासी मजदूर आमरण अनशन पर बैठे हैं। प्रवासी मजदूरों का आरोप है कि रात में बद इंतजामी के चलते 12 मजदूरों को बिजली का करंट लग गया, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ कोई भी उन्हें देखने नहीं पहुंचा। बाढ़ में पीडीएस दुकानदारों की मनमानी से लोग परेशान हैं। डीलरों की धांधली पर रोक लगाने के लिए जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने सरकार से मांग की। बाढ़ के क्वारंटाइन सेंटर में लगातार हंगामा देखा जा रहा है। जगह जगह क्वारंटाइन सेंटर पर लापरवाही बढ़ती जा रही है। लखीसराय में रमजान के बीच कोरोना वॉरियर्स बन ड्यूटी निभा रहे ट्रैफिक इंस्पेक्टर। कई पुलिस पदाधिकारी रमजान का रोजा भी रखते हुए कोरोना वॉरियर्स बनकर अपनी सेवा दे रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से ई रिक्शा चालकों के सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सरकार की तरफ से ई रिक्शा चालकों को कोई राहत नहीं। आपको बता दें कि ज्यादातर ई रिक्शा चालकों ने बैंक से लोन लेकर अपना वाहन खरीदा, जिनके लिए बैंक की किश्त जुटा पाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। बांका में मिले 18 नए कोरोना पॉजिटिव, जिले में 32 हो गए कोरोना संक्रमितों की तादाद। बिहार शरीफ में सामुदायिक किचन गरीबों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। किचन में रोजाना 6500 लोगों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से बैंड बाजे वालों और समारोह में खाने पीने की व्यवस्था करने वाले कैटरर्स के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। जामताड़ा में बैंड बाजा बजाकर परिवार का गुजारा चलाने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। यूपी के औरैया में शनिवार को बोकारो के 11 मजदूरों की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इन मजदूरों के शव पहुंचने से इलाके में मातम। लातेहार के बालूमाथ प्रखंड में 25 मजदूर हैदराबाद से पैदल चलकर घर पहुंचे, जहां इनके लिए क्वारंटाइन सेंटर में इन्हें छोड़ा गया। 3 दिनों से ये लोग जंगल में रह रहे हैं। मुखिया ने प्रवासियों के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। यही नहीं, जिला प्रशासन और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों तक ने अपनी आंखें मूंद रखी। लोहरदगा के पेशरार प्रखंड में सीआरपीएफ के जवान स्थानीय लोगों के बीच खाद्यान्न सामग्री का और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किट बांट रहे हैं। मुंगेर में फसल क्षतिपूर्ति के रूप में किसानों के बीच वितरित किए जाएंगे रुपए। जिले के 22,596 किसानों ने दिया है आवेदन। कैमूर में गांजे का कारोबार करने के आरोप में पुलिस ने एक ही परिवार के कुल 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। वाल्मीकि नगर इलाके में हो रहे बदस्तूर अवैध खनन और सैकड़ों हजारों ट्रॉली लगा बालू सीमावर्ती यूपी की ओर किन परिस्थितियों में जाने की इजाजत दी जा रही है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। पटना से सटे विक्रम थाना इलाके में एक ससुर ने अपनी बहू के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। पीड़ित महिला ने विक्रम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। कैमूर में गांजा और स्मैक के साथ अपराधियों की पकड़ लगातार जारी है। गांजा और स्मैक के साथ पुलिस ने 6 लोगों को दबोचा। सासाराम के श्री कृष्ण गौशाला में मवेशियों की हालत खराब, 2 समय का चारा भी नहीं मिल पा रहा। मधुबनी के लदनिया थाना इलाके में निजी कंपनी से आधार बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाली कंपनी पर लाखों रुपए के गबन का आरोप लगा है। बेकरा में नौबतपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 108 लीटर विदेशी शराब बरामद। गढ़वा जिले के मिराल थाना इलाके के कचराठ गांव में गुप्त सूचना के आधार पर आरा मशीन सील करने गई वन विभाग की टीम पर वन माफियाओं ने हमला बोल दिया। अति पिछड़ा हेरहंज प्रखंड के तासू पंचायत के मोहनपुर गांव में 2 एकड़ में मनरेगा योजना के तहत आम की बागवानी का शुभारंभ हुआ।
पलामू के मेधिनी नगर कोविड सेंटर से आज ठीक होने के बाद 5 कोरोना मरीजों को विदाई दी गई। चक्रवाती तूफान इम्फान को लेकर झारखंड मौसम विभाग अलर्ट पर है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान अभी पश्चिम बंगाल से 940 किलोमीटर दक्षिण में है और इसके सुपर साइक्लोन में तब्दील होने की पूरी आशंका है। दुमका में साइबर अपराधियों के बढ़ते सक्रियता पर लगाम लगाने के लिए पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। दुमका में हंसडीहा थाना इलाके के जोखी बांध तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। रांची के विभिन्न समुदाय के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार लोगों के बीच राहत सामग्री बांट रहे हैं। एक तरफ लॉकडाउन 4 के दौरान संक्रमण फैलने का ज्यादा खतरा है तो वहीं राजधानी पटना में व्यावसायिक गतिविधियां सामान्य होने लगी हैं। मुंगेर में पुलिस प्रशासन और पोखर मालिक मिलकर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। तारापुर अनुमंडल क्षेत्र के हरपुर थाना इलाके के बेलाडी पोखर से पुलिस वाले पोखर मालिक के जरिए बिना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए मछली निकलवा रहे थे। कटिहार में त्रिपुरा से खगड़िया जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में एक गर्भवती महिला ने नवजात को जन्म दिया। बेतिया में लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेन से प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। अभी तक 3 ट्रेन से 2000 प्रवासी श्रमिक बेतिया पहुंच चुके हैं। पटना के मखानिया कुआं इलाके में भीषण आग लगी। दवा की दुकान में लगी आग शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा। हाजीपुर में पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य शाखा में आग लग गई। इसके बाद भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र से 40 मजदूर फ्री व्हीलर से शिवपुर पहुंचे। लोहरदगा में सेना थाना इलाके के डोका गांव में असामाजिक तत्वों ने एक ट्रैक्टर में लगाई आग। आग लगने के बाद ट्रैक्टर धो कर चलकर खाक हो गया। केंद्र सरकार कोयला क्षेत्र में 50% निवेश के फैसले के बाद से ही धनबाद में लगातार श्रमिक संगठन विरोध कर रहे। लातेहार में मनिका थाना इलाके के NH75 देवबार सड़क किनारे एक अज्ञात शव बरामद हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच जारी। बेतला नेशनल पार्क में रविवार एक बाघिन की मौत हो गई। अभी तक इससे पहले भी नेशनल पार्क में कई बाघिनों की मौत की खबर आ चुकी है। बांका जिले में अब तक लगभग 17,000 प्रवासी पहुंच चुके हैं। इसके बाद भी उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। श्रमिकों का कहना है कि वो अपने पैसे से टिकट लेकर यहां पहुंच रहे हैं। श्रमिक भागलपुर तक पहुंचे और उसके बाद बसों से उन्हें बांका पहुंचाया गया। कठिन संघर्ष के बाद बांका पहुंचे श्रमिकों को क्वारंटाइन सेंटर में भी कोई सुविधा नहीं मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को करेंगे मन की बात। लोगों से नमो ऐप और माई गवर्नमेंट ऐप पर मांगे सुझाव। देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 96,000 के पार। संक्रमण से 3,029 की मौत। करीब 36,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। देश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 5,242 नए मामले। 157 मरीजों के पिछले 24 घंटे में संक्रमण से मौत। अमेरिका में 90,000 के पास पहुंचा कोरोना से मौत का आंकड़ा। संक्रमित बढ़कर 15 लाख के करीब। पूरी दुनिया में अब तक 3,15,000 की मौत। लॉकडाउन 4.0 के पहले दिन लगी लोगों की भीड़। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर लगी प्रवासी मजदूरों की भीड़ उसने हटाया। लॉकडाउन 4.0 के लिए दिल्ली से गाइडलाइन जारी। शर्तों के साथ चलेंगी बसें और दुकानें। सीएम ने कहा डालनी होगी कोरोना के साथ जीने की आदत। बांग्लादेश से पहली बार 169 भारतीयों को लेकर कोलकाता पहुंचा विमान। 2 महीने से फंसे थे लोग, सभी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया। देश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 38%। 56,316 मरीजों का इलाज जारी। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 33,000 से ज्यादा। 1,198 की मौत। गुजरात में मौत का आंकड़ा बढ़कर 659 हुआ। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार। अब तक 160 की मौत। मध्य प्रदेश में 248, बंगाल में 238 और राजस्थान में 131 लोगों की मौत। अम्फान तूफान की आहट पर देश के 12 राज्यों में अलर्ट। 200 किलोमीटर हो सकती है तूफान की रफ्तार।
अम्फान तूफान पर गृह मंत्रालय और एनडीएमए के साथ पीएम की बैठक, एनडीआरएफ की 25 टीम तैनात, 12 टीम रिजर्व। चीन की उकसाने वाली हरकत, गालवान घाटी में एलएसी पर अपनी सैनिक टुकड़ियां बढ़ाई, भारत पर ही लगाया तनाव बढ़ाने का आरोप। दिल्ली हिंसा में जामिया यूनिवर्सिटी का एक और छात्र आसिफ इकबाल तन्हा गिरफ्तार, 31 मई तक जेल भेजा गया, शर्जिल और उमर खालिद का है बेहद करीब। कोरोना के साथ जीने की आदत डालने में जुटा देश, प्रयागराज की जेल में कैदियों को रोजाना योग शिक्षा, स्वस्थ रहने के लिए काढ़ा पीना दिया गया जरूरी। कर्नाटक में हिंदू दुकान से ईद की खरीदी पर मुस्लिम महिलाओं को कट्टरपंथियों की धमकी और गाली गलौज, ऐसी दो घटनाएं घटी, वीडियो वायरल होने के बाद दो की गिरफ्तारी। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी परिवार के साथ यूपी के मुजफ्फरनगर में 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन, मां पत्नी और भाई के साथ आए थे मुंबई से। कर्नाटक में महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और तमिलनाडु के लोगों की एंट्री पर 31 मई तक रोक, येदियुरप्पा ने लॉकडाउन में सारी दुकानें खोलने और सारी बसें चलाने की छूट दी। अहमदाबाद में घर भिजवाने की मांग कर रहे प्रवासी मजदूरों की पुलिस से झड़प, मजदूरों ने मतपत्राव किया शुरू तो पुलिस ने भी किया लाठीचार्ज। यूपी की कई अलग अलग बॉर्डर पर प्रवासी मजदूरों की एंट्री पर रोक, अखिलेश यादव का योगी पर निशाना, कहा यही व्यवस्था है तो दे दें इस्तीफा। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी परिवार के साथ यूपी के मुजफ्फरनगर में 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन। चलिए इसी के साथ 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही, छोटा सा ब्रेक लेंगे।